हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने आज ये दाना बनाया हूँ कबूतर के लिए, मिक्स फीड। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मैंने टोटल 40 केजी के करीब ये दाना तैयार कर लिया हूँ। ये देखिए, बढ़िया वॉश वॉश सब कुछ कर लिया हूँगा, बस अब इसको मुझे स्टोर करके रखना है डब्बे में। ये देखिए, दाना बिल्कुल फ्रेश दाना है दोस्तों। और दाने की क्वांटिटी की बात करूं, मतलब क्या क्या मैंने किस किस क्वांटिटी में मिलाया हूं तो बता देता हूं मैं आप लोग को। इसमें 12-13 किलो गेहूं है और 15 केजी मैंने इसमें बाजरा मिलाया था, और 5 केजी चना, 5 केजी मक्का, और इसमें जो ज्वार मैंने मिलाया है वो 6 किलो है, मतलब 6 केजी ज्वार है। और मूँग की दाल है 2 किलो, और मिक्स वाली दाल है 2 किलो, जो टूटी वाली जो दाल मिलती है मिक्स अपन को वो है 2 किलो। और सरसों मैंने लाया हूँ, सरसों अलग रखा हूँ, इस दाने में नहीं मिलाया मैंने, अलग स्टोर करके रखा हूँ, वो अलग से दूंगा मैं। और इस बार मैंने इसमें हरा मटर भी मिलाया हूँ 3 केजी। ये देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, हरा मटर, हरा मटर भी मिलाया हूँ मैंने। दाना अच्छे से मैंने वॉश कर लिया हूँ और फ्रेश दाना है दोस्तों, बिल्कुल सूख गया अच्छे से दाना। अब मैं इसको स्टोर करके रख लूँगा और इसको अभी बारिश तक मुझे ये दाना मेरा इजीली चल जाएगा, क्योंकि अभी ब्रीडिंग में करवा नहीं रहा हूँ, एक सिंगल बच्चा ही पल रहा है अंदर लॉफ्ट के, ब्रीडिंग अभी मैं नहीं करा रहूँगा। हो सकता बहुत जल्दी मैं अभी कुछ जोड़े सोच रहा हूँ लगाने के लिए, वो लगा दूँ, बट मैं अभी ब्रीडिंग नहीं करा रहा हूँ और बारिश का मौसम चल रहा है। सो अपने कबूतरों को भाई बिल्कुल फ्रेश दाना दें आप लोग, और हफ्ते में लीवर टॉनिक और विटामिन का बिमरल वो ज़रूर दें, 1 लीटर पानी में एक ढक्कन। ब्रूटॉन भी दे सकते हैं, लीफ 52 सिरप भी दे सकते हैं, और बिमरल एक एक ढक्कन 1 लीटर पानी में, जिससे कबूतर का डाइजेशन सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा और कबूतर अच्छे से दाना पचा पाएगा। सो चलते हैं, अब कबूतर दिखाता हूँ और ये दाना दे के भी दिखाऊँगा आप लोगों को। और ये रहे अपने कबूतर दोस्तों, यहाँ जैसे कि आप लोगों को पता बारिश के समय मैं ये पूरा कवर कर देता हूँ टेरिस। ये सामने का एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर लगाऊंगा इस बार मैं जाली, इसको मतलब जब कबूतर खोलेंगे तो यहाँ सामने जाली रहेगी जिससे हवा भी आ पाएगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चालू हो गया, पानी अंदर ना आए इसलिए मैंने ये कवर कर दिया इसको। ठीक है, ये अपने कबूतर, सारे कबूतर खोल दिया मैंने, फीमेल मेल दोनों खोल दिया हूँ, अंदर बिल्कुल कबूतर नहीं है, अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, कबूतर यहाँ नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक बेबी है, ये देखिए सिंगल बेबी है दोस्तों, ये देखिए एक ही बच्चा निकला है यहाँ पर, वो भी अच्छी जोड़ का था तो मैंने यहाँ पर उसको पलटा दिया था, क्योंकि यहाँ पर अंडे रखी थी एक मादी ने। सो यहाँ वो बेबी निकला हुआ है और अभी ब्रीडिंग ऑफ है, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कुछ बाउल्स वगैरह रख दूँ, जैसे कुछ पेयर लगा दूं जो ऊपर बैठने वाले हैं, 2-3 जैसे मेरे पास जो पेयर हैं जो देसी हैं, और उनके नीचे मद्रासी के बच्चे मैं पलवाऊंगा, अभी सोच रहा हूँ, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए खाली है पूरा, यहाँ पर एक गेट था मैंने खोल दिया, और यहाँ पर है, यहाँ पर जो कि हमारी फीमेल रहती हैं। ठीक है, चलते हैं बाहर। और ये है दोस्तों कबूतर, इतने कबूतर हैं अपने पास, अब मैं इनको दाना देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, दाना मैंने ले आया हूँ, और यहाँ पर ट्रे भी सेट कर दिया हूँ नीचे ज़मीन में, और यहाँ मैंने ट्रे रख दिया हूँ। और यहाँ पर मैंने ट्रे रख दिया हूँ, कबूतर रेडी है खाने के लिए। तो कबूतरों ने दाना खाना स्टार्ट कर दिए हैं, और इतना जब ये खा लेंगे फिर मैं और दूंगा इनको। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी पिछले महीने डेढ़ महीने होने जा रहे हैं कबूतरों में इन्फेक्शन आ गया था दोस्तों मेरे यहाँ, मतलब बीमारी आ गई थी। और हुआ क्या था, एक देसी कबूतर रात के टाइम गिरा था आके, जो कि टेढ़ा था, सो मैंने सोचा ये पुरानी बीमारी होगी इसकी, लेकिन वो इन्फेक्टेड कबूतर था और मैंने अपने लॉफ्ट पर मिला लिया। यही गलती होती है दोस्तों। सो अभी कहीं से भी आप कबूतर ना ही लो तो अच्छा है, और लो तो देख लो वहाँ पर कोई बीमारियाँ तो नहीं चल रही, क्योंकि बारिश के टाइम
मौसम के बदलाव में बहुत ज्यादा बीमारी के चांसेस रहते हैं, तो कहीं से भी कबूतर लाओ पहले देख लो वहाँ बीमारी तो नहीं चल रही है, उसके बाद लेके आओ। और मैं जैसे ही मेरे यहाँ ऐसा हुआ, जैसे वो इन्फेक्शन आया मेरे को समझ में आ गया था, दो कबूतर मेरे लकवे में आ गए थे और मैंने तुरंत ट्रीटमेंट किया दोस्तों, और कबूतर पूरे ठीक हो गए मेरे। एक दो कबूतर मेरे मर भी गए थे, उसकी मैंने वीडियो बनाया हूँ। वो ट्रीट जैसे ही बीमारी आई मैंने तुरंत इनको ट्रीटमेंट दिया और पूरे कबूतर फिट हो गए मेरे। दो कबूतर लकवे में आए थे और एक और आया था जो कि वो मर गया है। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा उनका, दिखाऊंगा आप लोगों को। सो अभी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि मौसम चेंज हुआ है, कहीं से भी आप लोग कबूतर लेके आते हो तो पहले अच्छे से वहाँ देख लो, क्योंकि बीमारी कबूतरों से ही आती है, कहीं से भी लेके आओगे इन्फेक्शन आता है। तो इन बातों का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसका, इसलिए मैं शेयर करता हूँ हर वीडियो में। जैसे ही इन्फेक्शन आया था मेरे यहाँ तो मैं समझ गया था कि कबूतर पतली बीट चालू कर दिए थे करना, और एक दो जो कबूतर मरे थे उन्हीं से समझ गया था मैं कि ग्रीन बीट कर रहा था कबूतर बिल्कुल। अब जैसे ही पतली बीट करे कबूतर तो इन्फेक्शन आ जाता है दोस्तों, पूरे लॉफ्ट में अलग ही समझ में आने लगता है कबूतर पतली बीट करता है। उसी समय बिल्कुल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उस समय आपने थोड़ी सी ढील डाले और कबूतर एक के बाद लकवे में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो ध्यान दें। सो यही था आज का वीडियो और एक छोटी सी अपडेट। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।